नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। एक साल पहले हमने भारत, अभी ठहर जाइए मैं भाषण कर रहा हूं, डिस्टर्ब मत कीजिए। एक साल पहले भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई, 4000 किलोमीटर चले, और उसमें हमारा लक्ष्य जो नफरत फैलाई जा रही है समाज में, जो बीजेपी धर्म को धर्म से लड़ाती है, जात को जात से लड़ाती है, भाषा को भाषा से लड़ाती है, उसके खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, मगर ऐसे बहुत सारे प्रदेश है जहां आप गए नहीं। उड़ीसा है, झारखंड है, गुजरात है, तो आपको एक और यात्रा करनी चाहिए मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक। और इसीलिए मैं आपके आज सामने यहां खड़ा हूं। ये दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और आप यहां आए हमारा स्वागत करने। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो हिंसा फैल रही है, नफरत फैल रही है, उसका कारण अन्याय है। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय। पता नहीं आपने, आपको मालूम है इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं? पिछड़ों की आबादी कितनी मालूम है आपको? 50%। और दलितों की कितनी है? 15। आदिवासियों की कितनी? 8। माइनॉरिटी की कितनी? 15। तो सब मिलाकर तकरीबन 90% होता है, ठीक है। अब अगर आप सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालो, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट है, उसकी लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। मीडिया में देखो, आपको एक बड़ा पिछड़े वर्ग का पत्रकार नहीं मिलेगा, एक दलित पत्रकार नहीं मिलेगा, एक आदिवासी पत्रकार नहीं मिलेगा। टीवी चैनल में एंकर देखो, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा वहां पे। मालिकों की लिस्ट निकालो, वहां पे 90% में से आपको एक नहीं मिलेगा। ब्यूरोक्रेसी में जाओ, 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार का बजट बांटते हैं, IAS अफसर हैं। यहां भी मध्य प्रदेश में भी सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, 60-70 होंगे, 80 होंगे, वो मध्य प्रदेश के बजट को बांटते हैं। लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का कोई नहीं मिलेगा। और अगर कोई मिलेगा तो वो छोटी सी मिनिस्ट्री पे उसको, मतलब कोने में परे करके रख देंगे। तो ये है सामाजिक अन्याय, और ये हर संस्था में हो रहा है। आप प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, वहां आपको 90% में से कोई नहीं मिलने वाला। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, एक आपको पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा, और एक गरीब जनरल कास्ट कभी नहीं मिलेगा। तो हो क्या रहा है, 3-4% लोगों ने कब्जा कर रखा है और उसके अंदर कोई घुस नहीं सकता। सबसे ऊपर अदानी जी बैठे हैं, अंबानी जी बैठे हैं, ठीक है, 30-40 ब्यूरोक्रेट हैं IAS के, पूरा का पूरा निर्णय वो लेते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री को देखिए, वहां पे अग्निवीर लागू कर दिया। पहले क्या होता था, पहले सेना में भर्ती होती थी, ठीक है, लोग युवा सुबह उठते थे, रनिंग करते थे, वर्जिश करते थे, अंदर जाते थे, सेना उनको गारंटी देती थी, कहती थी देखिए आप में देशभक्ति की आग है, आप देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो तो हम आपकी रक्षा करेंगे।
और सेना उनको पेंशन देती थी। अगर उनको कुछ होता था, चोट लगती थी तो देखभाल होती थी। अगर शहीद हो जाते थे तो शहीद का रिस्पेक्ट मिलता था। अब अग्निवीर लागू कर दिया, इसमें कहते हैं देखिए चार लोगों की भर्ती होगी, चार में से तीन को हम निकाल देंगे। वो तीन पता है कौन से निकलेंगे? एसटी एससी ओबीसी, वो निकलेंगे। आप देख लेना, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं आंकड़े निकालता हूं। कोविड के समय अग्निवीर से पहले सेना ने 1,50,000 युवाओं को भर्ती का कमिटमेंट दिया, 1,50,000, ठीक है? उनके नाम मेरे पास है। कोविड आता है, उनको कहते हैं देखिए अभी कोविड आया है, आपकी भर्ती अभी नहीं होगी, थोड़ी देर में कर देंगे, ठीक है? तीन साल उनको इधर उधर घुमाया, वो राजनाथ सिंह के पास गए। राजनाथ सिंह जी ने उनको आश्वासन दिया कि कोविड का समय है, थोड़ी देर में आपकी समस्या को हल कर देंगे। मेरे पास चिट्ठी है, देखना चाहते हो मैं दिखा दूंगा आपको। अलंकार वो चिट्ठी निकालो। उसके बाद उनसे कहते हैं देखिए अब अग्निवीर योजना आ गई, अब आपको हम नहीं ले सकते। 1,50,000 है युवा, 5-5 साल उन्होंने वर्जिश की, एक्सरसाइज की, रनिंग की, और आपको अग्निवीर में भी नहीं आने देंगे। क्यों? आप ओवर एज हो गए, आप ना इधर के ना उधर के, जाके आप जानो आपका काम जाना जाने, आप यहां से आउट हो जाओ, ठीक है? मैंने लिस्ट निकाली, मैंने कहा देखता हूं भैया ये है कौन। 75% उसमें से ओबीसी, दलित, आदिवासी, और उसमें से गरीब जनरल कास्ट के लोग। अब उनका समय बर्बाद कर दिया और फिर उनको निकाल दिया, उनको ना कोई कॉम्पनसेशन दी, उनको ना अग्निवीर में जाने दिया। और उनकी क्या गलती थी? उनके दिल में देशभक्ति की आग थी, वो गलती थी उनकी। और वो दलित थे, आदिवासी थे, पिछड़े थे, गरीब जनरल कास्ट के लोग थे, माइनॉरिटी के लोग थे। तो सेना में एक रास्ता था, वो बंद कर दिया। दूसरा रास्ता होता था पब्लिक सेक्टर, ये देखिए चिट्ठी है, देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये राजनाथ सिंह जी की चिट्ठी, इसमें साफ लिखा हुआ है, देख लो। तो वो कहते हैं देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी भर्ती हो जाएगी। तीन साल उनको घुमाया और फिर 1,50,000 है वो। अच्छा ठीक है, अगर 10 लड़के होते, 15 होते, 100 होते, वो अलग बात है भाई। 1,50,000 लड़कों को उन्होंने परे कर दिया। अब क्यों किया मैं बताता हूं आपको। ये लड़का है भैया, ये अपनी राइफल दिखाना जरा थोड़ा, ये देखो ये राइफल दिख रही है आपको, ये जो राइफल है ये देखो। ये पहले राइफलें जो होती थी, इनका जो इनको जो कारतूस होते थे, ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनते हैं, इनके ये जो वेस्ट होती थी, ये सब पहले सरकारी कंपनियां बनाती थी, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये हथियार बनाती थी। अब गुजरात की नहीं भैया, यह बात नहीं समझे, उस पर ठप्पा लगता है अदानी का, ठप्पा लगता है अदानी का। वो बंदूक नहीं बनाता, वो है इजरायली बंदूक, रूस की बंदूक, इजरायली बंदूक, अमेरिकन बंदूक। पहले क्या होता था, हिंदुस्तान की सरकार राइफल खरीदती थी, कॉन्ट्रैक्ट जाता था इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, उसमें
आप लोगों की भर्ती होती थी, दलित आदिवासी पिछड़े गरीब जनरल कास्ट के लोग। अब क्या हुआ, HAL BHEL इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन सबको ये परे कर रहे हैं। और ये आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही है, मैं बताऊं, क्योंकि ये आपकी पूंजी है, ये आपका है। अगर अगर हवाई जहाज HAL बनाएगा तो उसमें भागीदारी आपकी होगी। क्यों? क्योंकि आपके लोग HAL में काम करेंगे। अगर हिंदुस्तान पेपर कागज बनाएगा उसमें भागीदारी आपकी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपको नौकरी मिलेगी। ये राइफल जब पहले बनती थी उसमें आपका फायदा होता था, आपके लोग जाके काम करते थे, करोड़ों नहीं करते थे मगर 50,000 60,000 1,00,000 जाते थे अंदर, उनकी जिंदगी बन जाती थी। अब क्या हो रहा है, ठप्पा अदानी का लग रहा है। जवानों को कहा जा रहा है, भैया तू अग्निवीर बनेगा, मरेगा शहीद होगा तो तुझे शहीद का दर्द नहीं मिलेगा, दर्जा नहीं मिलेगा, तुझे ना पेंशन मिलेगी, तुझे ना कैंटीन मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला, ब्रांडिंग पूरी की पूरी अदानी की होगी, हथियार इसराइल में इसराइल की टेक्नोलॉजी से बनेंगे, पैसा वो अदानी बनाएगा, आपके हाथ 1 रुपया नहीं पड़ने वाला। तो पब्लिक सेक्टर का रास्ता बंद कर दिया। अब भैया एक काम करो, आप अदानी जी की कंपनी की लिस्ट निकालो, उसमें पता लगाओ उनकी फैक्ट्रियों में, उनकी कंपनी में, उनकी मैनेजमेंट में पता लगाओ, भैया दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, पता लगा लो। एक नहीं है उसमें। तो पब्लिक सेक्टर का रास्ता बंद कर दिया। अब तीसरा रास्ता क्या था आपका? तीसरा रास्ता था एग्जाम करो, पुलिस में जाओ, पटवारी, सरकारी नौकरी करो। अब उसमें उन्होंने नई चीज चालू कर दी, आप सुबह उठो, आपके बच्चे सुबह उठें, पढ़ाई करें, 2-3 साल पढ़ाई करें, फिर एग्जाम का समय आता है, गरीब बच्चा इस साइड देखता है, वही 2-3-4% लोग सुबह आते हैं, उनके मोबाइल फोन पे 2-3 दिन पहले पेपर आ जाता है, पेपर लीक हो जाता है। आप लोग देखते हो वो मजे से मोबाइल फोन पे उनका पेपर होता है, पूरी तैयारी, आप लोग तैयारी करते हो पूरी सिलेबस की, वो तैयारी करते हैं 5 सवालों की, उनकी तैयारी 5 सवालों की, आपकी पूरी सिलेबस की, मर गए आप। तो ये भी रास्ता बंद कर दिया। राहुल जी एक सवाल है, देश में आरक्षण और संविधान के ऊपर खतरा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हमारी हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, सुनिए सुनिए, आपने सवाल पूछा तो अब सवाल का जवाब सुनो, है ना। हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है, सामाजिक अन्याय के खिलाफ क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना, जाति जनगणना। अब यह मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको कभी चोट लगी है, हाथ पैर टूटा आपका कभी, किसी का यहां पे हाथ पैर टूटा है, आपका टूटा, ठीक है, क्या टूटा था आपका, यह हाथ टूटा था ना, जब आप अस्पताल गए, आपको यहां चोट थी, डॉक्टर ने आपसे पहली बात क्या कही, एक्सरे, पहली बात कही, देखो भैया सबसे पहले इलाज के पहले हमें पता लगाना है तेरे हुआ क्या, ये देखो खड़ा हो जाए, इस पे आ जाए, तो ये देखो हाथ उठाओ, ऐसे इसको उठाओ, ये देखो इसका हाथ टूटा, पहला काम डॉक्टर ने क्या किया, ओपीडी बनाई, नाम लिखा और एक्सरा, ओपीडी बनाई, नाम लिखा,
जितेंद्र गुर्जर नाम लिखा सर, फिर एक्सरे का बोला, जी सर एक्सरे का बोला, फिर एक्सरे लिया, फिर उसने कहा भैया इसमें फ्रैक्चर है, और फिर उसने कार्रवाई की, ये प्लास्टर लगाया, ये प्लास्टर उसने इतना अच्छा नहीं लगाया, मुझे लग रहा है बीजेपी वाले ने किया, ये कांग्रेस से कराते तो चमकता हुआ है सॉलिड प्लास्टर लगता। तो बैठिए बैठिए, तो नहीं यहां बैठो भैया, यहां बैठो, यहां आ जाओ, थोड़ा सामने से आ जाओ, यहां आ जाओ। तो हमारा कहना है डेटा का जमाना है, 21वीं सदी का जमाना है, डेटा का जमाना है। भैया ठहर जाओ भैया, बाद में करना ये, डेटा का जमाना है। अब अभी अभी नहीं, अभी इसको नीचे रख, वो बाद में होगा सब, डेटा का जमाना है। तो मैं यही कह रहा हूं, देखो देश को चोट तो लग रही है, पिछले वर्ग को चोट लग रही है, दलितों को लग रही है, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को लग रही है, वो तो दिख रहा है। तो पता लगाओ भैया कारण क्या है, सबकी गिनती करो, हर जात की गिनती करो, और फिर ये पता लगाओ किसके पास कितना धन है। अंबानी के पास कितना धन है, अदानी के पास कितना धन है, हर जात के पास, ये जो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान है इसमें कितनी भागीदारी है। ये पहला कदम है, क्रांतिकारी कदम है। देखिए हम कांग्रेस पार्टी में हम क्रांतिकारी काम करते हैं, हम आपका टाइम जाया नहीं करना चाहते। कॉन्स्टिट्यूशन दिया आपको, संविधान दिया, उसकी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आपके साथ मिलकर लड़ी, आजादी दी, वहां पे आपको उस टाइम बीजेपी नहीं दिखी होगी, आरएसएस नहीं दिखे, वो भग गए थे, वो सब घर चले गए थे, वो वहां पे मतलब अंग्रेजों के साथ खड़े थे, वही उसके बाद हरी क्रांति, सफेद क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन, मोबाइल फोन, ये सारे के सारे क्रांतिकारी काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। और अगला क्रांतिकारी काम जाति जनगणना होगा, और इसके बाद आप देखना हिंदुस्तान में सच्ची राजनीति शुरू हो जाएगी, क्योंकि गरीबों को पता लग जाएगा, गरीबों को डेटा मिल जाएगा कि भैया कितनी बुरी तरह हमारे को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, कितना अन्याय हमारे साथ हो रहा है। एमएसपी का बताता हूं, बीजेपी ने कहा भैया एमएसपी तो किसानों को दे नहीं सकते। नंबर याद रखो, नंबर याद रखो, कांग्रेस पार्टी ने किसानों का 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, हमने मनरेगा योजना चालू की, ठीक है, उसमें हम कितना पैसा देते हैं साल का, 65,000 करोड़ हमने मनरेगा चालू किया। 5 साल बाद किसान हमारे पास आए, उन्होंने हमें कहा देखिए राहुल जी, मनमोहन सिंह जी, आप मजदूरों की मदद कर रहे हो, आप उनको मनरेगा दे रहे हो, आपने हमारी मदद क्यों नहीं की। और हमने कहा देखिए आपने बिल्कुल सही बात बोली है, मनरेगा हमने मजदूरों को दिया, किसानों का हम 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करेंगे, लीजिए चेक लीजिए घर जाइए। और किसानों ने पूरे देश में पटाखे बजाए, ठीक है। अब देखिए, ठहर जाइए ठहर जाइए, डिस्टर्ब मत करो भाई, डिस्टर्ब मत करो। अब देखिए 70,000 करोड़ रुपए मनरेगा को एक साल चलाने के लिए लगते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का, 50 लोग हैं, 50 हैं, कितना,
1600 करोड़ किसने बोला? 16 लाख करोड़। अब आप कहोगे यार ये राहुल गांधी 16 लाख करोड़ तो कह गया, मगर हमें ये समझ नहीं आई ये कितना है, क्योंकि ऐसा नंबर है ये सिर्फ अदानी समझ सकता है, हमें हमारे बस के नहीं है। तो मैं अब आपको समझाता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों को 24 साल का मनरेगा पकड़ा दिया, 24 साल का, जो हम एक साल में देते हैं 24 गुना उन्होंने उनको दे दिया। अच्छा अब आप कहोगे ठीक है भाई उद्योगपति हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा भैया पैसा कहां से आया? कौन सी जनता? कौन सी? ये जनता है 90% है पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी है। कैसे? आप कहोगे कैसे? हम तो पैसा नहीं देते, हम तो नहीं देते पैसा। पैसा कैसे नहीं देते हो? आपकी शर्ट आपने खरीदी, जीएसटी दी आपने, जितनी जीएसटी आप देते हो जितना। मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो, हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यक्ति अदानी अगर शर्ट खरीदता है तो वो उतनी ही जीएसटी देता है जितनी हिंदुस्तान का सबसे गरीब आदमी देता है। अगर आप जाके हिंदुस्तान के सबसे गरीब आदमी को ढूंढो और उससे कहो भाई एक काम कर जाके शर्ट खरीद, अगर वो 500 रुपए की शर्ट खरीदेगा, 300 रुपए की शर्ट खरीदेगा, तो 18% वो देगा, 18% अदानी देगा। अदानी की आमदनी करोड़ों रुपए की है, लाखों करोड़ रुपए की है, इसकी आमदनी 3-4 हजार रुपए की है, मगर जीएसटी एक देंगे, तो जीएसटी आप देते हो, जीएसटी आप देते हो, पैसा सरकार के पास जाता है, ठीक है। किसान अगर बैंक से लोन लेता है वापस नहीं दे पाता तो ऐसी राइफल लेके पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है, पीछे से यूं पकड़ लेता है, कहता है इधर आ, ठीक है, और फिर उसको ले जाता है जेल में डालता है, दो जूते मारता है। और अगर अदानी जी या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति बैंक से लोन लेता है, कहता है मैं वापस नहीं दूंगा, तो वही पुलिस वाला जाके कहता है साहब ऐसे करिए आप एक और बैंक लोन ले लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो हम आपका पूरा का पूरा कर्जा माफ कर देंगे, देश छोड़ के चले जाओ, मालिया बन जाओ, ललित मोदी बन जाओ, नीरव मोदी बन जाओ, मजे ही मजे हैं। अगर आप 3-4 वो जो 5% लोग हैं अगर आप वहां से आते हो तो जो सपना आपको देखना है आपकी जिंदगी सपना ही सपना है। और अगर आप 95% से आते हो तो आप सच्चाई का सामना करो, भूखे मर जाओ, बच्चों को बेरोजगार देखो, और जो आपके सारे के सारे रास्ते हैं एक के बाद एक वो बंद होते जाएंगे। तो आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, किसानों के मैं भूल गया एमएसपी की बात, बीजेपी कहते हैं एमएसपी तो हम नहीं दे सकते, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया लीगल एमएसपी, जैसे ही हमारी सरकार आएगी लीगल एमएसपी हम किसानों को पकड़ा देंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, अन्याय का जमाना है, अन्याय की सरकार है और नुकसान आपका हो रहा है। ये जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, ये जो, अच्छा भाई एक बात बताओ, ये मोबाइल फोन पे आप कितने घंटे, एक दिन में कितने घंटे लगाते हो? सर 2 घंटे। देखो देखो मजे की बात देखो, 2 घंटे? जी सर। सच बोलो? सच में सर, बिजनेस भी, बिजनेसमैन हो? अच्छा। आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है, 6-7 घंटे यूं
यूं देखता रहेगा, रील रील रील। और भैया ये जो फोन है जिस पे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने, चाइना के युवा ने बनाया, और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है, और हमारा जो युवा है 7-7 घंटे रील देख रहा है। यह है चमत्कार। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा दिन आए कि यहां पे एक युवा रील देखे 15 मिनट, और फिर फोन को ऐसे घुमाए, उस पर लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश, और चाइना का युवा हो वो 7 घंटे रील देखे। ये मैं चाहता हूं, और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। ये है।